विश्व हिंदू महासंघ कार्यकर्ता सम्मेलन एवं संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन 2 अक्टूबर को वेस्ट ज्योति नगर इनक्लेव लोनी रोड सहादा दिल्ली में किया गया। जिला नवीन सहादा विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री योगेंद्र कसाना उर्फ योगेंद्र भैया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। देवेंद्र कुमार ने बताया कि यह संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में चल रहा है। संगठन कई देशों में समाज सुधार व समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए देश हित में कार्यरत है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक को बंद करने, स्वच्छ गंगाजल, गौ माता की रक्षा, महिला सम्मान, भारतीय संस्कृति को बचाने और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर समाज में एकजुटता के साथ रहने का संदेश दिया। विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते श्री योगेंद्र कसाना जी को नवीन सादरा जिले का महामंत्री आज घोषणा किया गया है और मुझे यह विश्वास है इनके लगन और मेहनत को देखते हुए कि विश्व हिंदू महासंघ नवीन सादरा जिले का कार्यभार अच्छी तरह संभालेंगे। और योगेंद्र कसाना जी से यह कहा गया है कि 20 मंडल तैयार करके एक महीने के अंदर ये प्रदेश में सभी लोगों का नाम देंगे। जो आज उनको विश्व हिंदू महासंघ दायित्व दिया गया उपाध्यक्ष जी का, तो मैं उनको शुभकामनाएं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जो अभी महाराज जी ने बताया कि घर घर में राम होना चाहिए, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब युवाओं में जोश होना चाहिए अपने श्री राम के लिए, जो कि एकता का और एक प्यार का संदेश मिले, सब मिलजुल के रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं योगेंद्र कसाना। मुझे आज दिल्ली नवीन सादरा जिले का मुख्य महामंत्री बनाया गया है और मैं बहुत प्रभावित हूँ योगी जी के कार्यों से, इसीलिए मैंने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाए, मैं भी कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ। जो आज की डेट में योगी जी देश के लिए सोच रहे हैं, तो जैसे हमारा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और गौ माता की जो आज की डेट में सड़कों पे ऐसे घूमती हुई रहती हैं, तो उनको सबका सुधार उन्होंने किया है, कानून व्यवस्था सारी उन्होंने दुरुस्त करी है और सड़कों का निर्माण या फिर जो क्राइम था जितना भी, वो सब चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल किया है। उस चीज़ से प्रभावित होकर मैंने अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाए, मैं भी देश के प्रति कुछ अपना दायित्व निभाना चाहता हूँ। मैं मिशन मोदी अगेन PM का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज विश्व हिंदू महासंघ का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दिल्ली प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ का महामंत्री, जो मुझे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी ने अभी लगभग 6 महीने पहले ही नियुक्त किया था, और हिंदुओं के लिए जितनी भी अच्छी और सामाजिकता, क्योंकि जो हिंदू एक सोया हुआ सा नज़र आता है, उसको हिंदू एक रूप करने के लिए, उसको जगाने के लिए और एकत्रित करने के लिए, हिंदू की रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ का कार्य हो रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, महिप त्रेहन, CL गुप्ता, आर्यन दुबे, दिनेश कुमार अग्रवाल, नवीन परमार, अविनिंद्र कुमार, CN त्रिपाठी, प्रकाश कुमार, राजकुमार पांचाल, पवन कुमार एडवोकेट, सुभाष सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।